पहले स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइज अभी रात के बज रहे हैं 3 और हम लोग जा रहे हैं एक बंदे को छोड़ने मुंबई वीटी स्टेशन। तो अभी मैं आपको स्टेशन के अंदर का पूरा चीज दिखाऊंगा, तो बस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। हम लोग जिसको छोड़ने वाले थे ना, वो है मतलब गांव में कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया है जो कि इसे छोड़ना पड़ रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ बीटी स्टेशन पे पुष्पक एक्सप्रेस कितनी टाइम आती है, कितनी टाइम यहाँ से छूटती है और कहाँ कहाँ स्टॉप लेती है, कितने टाइम आपको लखनऊ उतारते है। तो बस आप वीडियो में एंड तक बने रहे यार, और मैं आपको अंदर का सारा चीज़ दिखाऊंगा एकदम अच्छे परफेक्ट तरीके से। तो बस आप वीडियो में एंड तक बने रहे, अभी मैं आपको डायरेक्ट स्टेशन पे लेके चलता हूँ। हम लोग एकदम अनकरीब बीटी पहुँचने वाले हैं। आप एक बार मतलब बीटी के दारे दारे पेड़ों का लुक चेक करो। सुबह सुबह अभी हो चुका है, 3 से 4-5 हो चुका है। तो आप देखो आसमान एकदम ग्रीन ग्रीन, सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है यार। जब तक काम करो मुंबई में तभी तक बुरा लगता है, उसके बाद में जब टहलो ना तो बहुत अच्छा लगता है कसम से यार। अभी हम इसको छोड़ने जा रहे हैं तो क्या बताएं, मेरे को बुरा लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इसमें कुछ तो तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। ये देखो भाई, ये पीछे का एरिया है और ये है मैं सामने का एरिया। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। ये है भाई मतलब भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बीटी। ये लुक चेक करो, कितना घातक लुक है यार। और पहले एक बार ये देखो, फिर उसके सामने ये पता नहीं किसका स्टेचू है, जो को मेरे को तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ। और ये जो सामने दिख रहा है, इसको अंग्रेजों ने बना के किया था। ये इतना काम तो अंग्रेज से ही करके गए थे यार, मतलब पूरा एकदम अच्छे से बना के गए। तो उसको हम छोड़ने जाने वाले हैं, तो भी मैं आपको उसके अंदर लेके चलता हूँ। पुष्पक का परफेक्ट टाइम बताऊँगा और दिखाऊँगा भी। तो जितने भी बाहरी लोग हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये है भाई स्टेशन के सामने वाला हिस्सा जहाँ पे पुष्पक आती है। तो पहले आप एक बार देखो, इसको कलर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी डिजाइन में इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा अच्छा है, जितनी भी तारीफ कर रखो मैं। और ये है अंदर की जहाँ पर टिकट उकट काटते हैं। तो आप देखो अभी पब्लिक कम दिख रही है क्योंकि अभी सुबह सुबह का माहौल है, इसलिए थोड़ा शांति चल रहा है। बीटी पे आपको इतना शांति क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर सुबह का माहौल चल रहा है। अभी शाम को इतना ज़्यादा गर्दी हो जाता है कि दिमाग खराब हो जाता है यार, लेकिन फिर भी उस तरफ पब्लिक देखो कितना है, यहाँ पे टिकट कट रहा है इस तरफ देखो ज़्यादा। तो भाई जितने लोग मुंबई आए हैं ये तो जानते होंगे बीटी का कौन सा हिस्सा ये लेके जाता है हमें पुष्पक के पास, जो कि यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और ये हम पुष्पक के मतलब पटरी पे आ गए हैं जहाँ से बैठते हैं। तो आप ये जो सामने पब्लिक दिख रही है बैठी हुई ना, ये है लाइन भाई, देखो कितनी दूर तक है यार। उफ़ यार, मैं तो परेशान हो गया कि कैसे मैं बैठाऊँगा उसको, इतना ज़्यादा लाइन में पहली बार देखा, इतना ज़्यादा क्राउड। तो भाई उसे छोड़ के वापिस हम अपने रूम के तरफ जा रहे हैं। तो आप सामने बीटी का हिस्सा देखो, ये भी एक हिस्सा है। तो आप सुबह सुबह खाली मुंबई के मार्केटों का मज़ा उठाओ कि मतलब सुबह सुबह पब्लिक का कितना क्राउड रहता है, कितना रही। तो आप सामने देखो, मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और ये देखो 2 मंजिला बस, जो कि मैं अपने लाइफ में पहली बार देखा भाई, मैं तो पहली बार देखा। आप देखे तो कमेंट करो। ये सामने पुरानी बिल्डिंग है जो कितनी अच्छी मतलब डिजाइन में काफ़ी अच्छा है यार, माशाल्लाह अच्छा है, काफ़ी अच्छा है यार, मैं तो पहली बार देखा यार। मैं जो चीज़ देखता हूँ पहली बार देखता हूँ क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये देखो आप बीटी का लुक चेक करो भाई, मैं बीटी के पीछे से उसको छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप लुक चेक करो कितना अच्छा दूर से दिख रहा है यार। तो भाई उसे छोड़ के आ गए यहाँ रूम पे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, बाकी यार कुछ नहीं बोलेंगे, डीमोटिवेट हो जाता हूँ जब किसी को गांव छोड़ने जाता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।